श्री जी बाबा ने हम पे कृपा करी। एक तारीख को मथुरा से हम लोग चले थे मां यमुना महारानी को लेकर द्वारका के लिए पग यात्रा। पहली बार इस पग यात्रा का जो उद्देश्य है वह मुख्य यह है कि मां यमुना जी का जल जो कि 40 साल से दिल्ली से मथुरा नहीं आ रहा और कोई भी व्यक्ति मां यमुना जी के पीछे उस जल की तो बात नहीं करता लेकिन हमारी मां के पीछे प्रदूषण और शुद्धिकरण जैसे शब्दों को लगा देती है। मेरा उनसे कहना है कि भैया अपनी माता की तबीयत खराब होती है तो उसको कहिए कि हमारी माता प्रदूषित हो गई, आपकी माता को कोई रोग लग जाए तो ये कहिए कि उसका शुद्धिकरण करना है, हमारी माता अशुद्ध हो गई। यमुना जी कैसे अशुद्ध हो सकती है, यमुना जी कैसे प्रदूषित हो सकती है, जब यमुना जी का जल मथुरा आ ही नहीं रहा तो प्रदूषित कैसे हो सकती है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी पिछले कुछ दिनों जो यमुना जी जिनकी इष्ट है, जिनका यमुना जी सर्वस्व है, जिनका कि यमुना जी श्री वल्लभ कुल में बहुत बड़ा स्थान है यमुना जी का संपूर्ण विश्व में, बड़ा दुख होता है जिस समय उसके धर्माचार उसके कुल के जुड़े हुए लोग जब यमुना जी के लिए आज तक नहीं बोले और जब बोलना भी चालू किया तो यमुना जी के पीछे प्रदूषण और शुद्धिकरण जैसे शब्द, महाराज श्री जैसे लोग जिनके हम चरणों की सदैव वंदना करते हैं कि ये हमारे यमुना जी के परम भक्त हैं, अब वो भी इस्तेमाल करने लग गए। शासन प्रशासन तो करता ही था तो इसलिए हृदय बहुत द्रवित हुआ कि माँ यमुना महारानी को इस तरह से ये कर रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई हम सरकार में किसी से अब बाहर लगाने का हमारा सामर्थ्य नहीं है, जो यमुना जी को मानने वाले हैं, जो यमुना जी को अपना इष्ट मानते हैं, जब वही अपने रास्ते से भ्रष्ट हो रहे हैं तो अब बाहर किसी से नहीं लगाई लगती, बाहर सीधी बाबा द्वारकानाथ से लगाएंगे। तो मथुरा से पहले चले हैं और द्वारकानाथ जाएंगे, उनसे गुहार लगाएंगे कि हे प्रभु जैसे आपने द्वापर में श्री यमुना जी को शुद्ध का आनंद किया था जल में से, उस कालिया नाग को हटा के उसका मान दमन किया आपने, ऐसे ही हकरी कुंड से माँ यमुना को लाएं। लोकतंत्र के 38 साल में 25 साल से माँ यमुना ब्रज में नहीं है और जब यमुना मथुरा में नहीं होगी, मथुरा ब्रज में नहीं होगी तो संपूर्ण सनातन नष्ट भ्रष्ट होगा, संपूर्ण नष्ट होगा, पूरा विश्व नष्ट होगा। क्योंकि यमुना जी का जल जब तक समुद्र तक नहीं पहुंचेगा, यमुना जी का जल जब तक प्रयाग तक नहीं पहुंचेगा, वह आसमान में गौलोक के लिए नहीं जाएगा और ना ही यमुना जी का जल बरसेगा। और जब यमुना जी का जल नहीं बरसेगा तो लोगों के हृदय में से भाव खत्म हो जाएगा, लोग स्वार्थ भाव में हो गए हैं, माता पिता गुरु गोविंद किसी का भी कोई भाव नहीं रहा, आप देख रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि 25 साल से केवल इसी बात को बताने के लिए किसी को पता नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं कि मथुरा 84 कोस में एक बूंद जल भी श्री यमुना जी का नहीं आ रहा। आज सभी से हम जो आए हैं जन भाव जागरण करने, मैं सभी श्री जी बाबा के जो सभी मेरे ग्वालिया और हमारे यमुना जी के भक्त और पुत्र हुए हैं, मैं इन सभी से निवेदन करूंगा कि वह श्री सीनाथ जी बाबा के यहाँ जाएं तो एक काम बस करें कि हे बाबा हम नित्य आपके यहाँ आते हैं अपनी समस्या और अपने जीवन के लिए, आज हम दो कदम चल के आपके आज के दर्शन करने यानी कल आप दर्शन करने जाएं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, पर जाके श्री जी बाबा से कहें कि अगर तू मैं तेरा भक्त हूँ तो पूरे जीवन में अपने लिए आया, आज की मेरी दंडौत मेरी श्री यमुना मैया के लिए है कि मेरी श्री यमुना मैया को ब्रिज में आप वापस लाइए, आपसे गुहार है। बोल श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी।